उसने फरमाया इदा कदा अमरन इदा कदा अमरन फइन्नमा यकूनु लहुकुम फयकून। जब मैं किसी काम को करना चाहता हूँ सूरत यासीन में इन्नमा अम्रुहु इदा अरादा शैअन अय्यकून लहू कुन फयकून। जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ कोई चीज बनानी चाहता हूँ, मैं इंजीनियरों का मोहताज नहीं, मैं मिस्त्रियों का मोहताज नहीं, मैं लेबर का मोहताज नहीं, असबाब का मोहताज नहीं, इलल का मोहताज नहीं, हालात का मोहताज नहीं, मुझे कोई मोहताजी नहीं, मैं किसी के सामने आजिज नहीं, मैं किसी के सामने परेशान नहीं, बल्कि मैं तो खुदा हूँ जमीन से लेकर आसमान तक ही और कुर्सी से लेकर तख्त सरा तक ही चारों तरफ मेरा निजाम चलता है। क्यों सुभान अल्लाह बियदिही मलकूत कुल्ल शैइन व इलैहि तुरजऊन। फरमाया पाक जात है मेरी, तमाम निजाम मेरे कब्जे कुदरत में है और हर शय ने मेरी तरफ लौट के आ जाना है। फरमाया मेरे बंदे चांद सूरज सितारे कितने खूबसूरत है और मैंने कुल के साथ बना लिए, दरियाओं का कितना बड़ा तमबुज है मैंने कुल के साथ बना दिया, समंदरों की खड़खड़ाहट कितनी बड़ी शह है मैंने कुल के साथ बना लिए, हवा का कितना बड़ा निजाम है मैंने कुल के साथ पैदा कर दिए, ये तरह तरह के फूल है ये पत्तियां ये कलियां ये महक ये चमक ये धमक तमाम की तमाम मैंने कुल के साथ बना दी। फरमाया और मेरे बंदे जब तेरी बारी आई लिमा खलक तू दिया दईगा, मुझे अपने किबरी आई की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपनी नूरियत की कसम, मुझे अपने शानी किबरी आई की कसम, मैंने तुझे अपने दोनों हाथों से बनाया है। अपने लबों की गौर कर, अपनी जुबान पे गौर कर, अपनी नाक की गौर कर, अपनी आंखों पे गौर कर, अपने हाथ की उंगलियों पे गौर कर, अपने पैरों की तरफ नजर झुका, अपनी तमाम सुनूल की तरफ नजर को झुका और देख तो सही मैं खुदा ने तुझे कितने हकीम सांचे में ढाला है। और मेरे बंदे अगर तू मुझे तलाश करना चाहता है और अगर तू मुझे देखना चाहता है और अगर तू मुझे मिलना चाहता है अपने हर आदमी के अंदर तलाश कर ले वही मिलूंगा। अपने आप में देख अपनी हर शय में देख वो भी अंगूठी को अफला तुम सिर, अपने खाने में देख अपने पीने में देख अपने पहनने में देख अपने चलने फिरने में देख अपने सांस लेने में देख अपनी जिंदगी में देख रात को देख दिन को देख मैं तुझे नजर आ जाऊंगा। समय बंदे मैंने तो तुझे बड़ा ऊंचा किया है, अब तेरी मर्जी अगर पत्तियों के गढ़े में गिर के मरना चाहता है तो मर, मैंने तुझे बड़ा शान दिया मर्तबा दिया अजीम से अजीम मर्तबा का फरमाया, सारी कायनात तेरे लिए बना, फरमाया खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, सब का सब निजाम तेरे लिए। तो परवरदिगार आलम ने
तुझे समझाने के लिए, तुझे यकीन दिलाने के लिए, तेरे दिल में जहन नशीन एक मजबूर कराने के लिए कसमें खाए। सुभान अल्लाह, कसम खाने वाली जात परवरदिगार आलम की हो, और यकीन करने वाला जाहिल कदा यकीन ना करे वो उनके ना मर जाए। बाजे लोग इतराज करते हैं, देखो जी हमें तो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी और चीज की कसम नहीं खानी चाहिए, अल्लाह पाक ने इंजीर की कसम क्यों खाई? मुफस्सिरीन ने लिखा तफसीर के साथ कि अल्लाह पाक के कसम खाने का मतलब किसी चीज को गवाह बनाना होता है, शाहिद बनाना होता है कि ये चीज गवाह है। मुसम्मी के कसम खाने से वो मुराद नहीं कि इंजीर की कसम खाऊं तो खुदा की खुदाई बड़ी हो जाएगी। महाराज परवरदिगार आलम ने इब्तदा सूरत मक्कीया मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई इंसानियत का मकाम बतलाने के लिए, बतलाने के लिए, समझाने के लिए। है बड़ा उस्ताद इंसान, अल्लाह अल्लाह, कुरान समझाओ, हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से समझाओ, नहीं मानता, डंडा लेके चलो ना सामने, तलवार हो फौरन समझता है। मक्का मुकर्रमा से इन्हीं मुशरिकों ने, इन्हीं जालिमों ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अकदस को परेशान करके निकाला। 13 बरस तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, एक बात इनके दिमाग में ना बैठी, न कुरान पे यकीन आया, न नबी पे यकीन आया, न काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन आया, कुछ तवज्जो ही ना दी। बदर में जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उतैबा की गर्दन तकी, शाबा की गर्दन तकी, वलीद इब्ने मुगीरा का सर कटा, अबू जहल का सर कटा, उमैया इब्ने खलब के टुकड़े हुए, फिर इन लोगों की आंखें खुली तो लोग डंडे के मुरीद है, डंडा होना फिर ये खुदा की खुदाई को मानते हैं। आज कौन मान रहा है? नऊज बिल्ला, जहां जलजला आ जाए, खुदा का कहर आ जाए, गड़े पड़ जाए, शहर गरक हो जाए, ये नहीं जो वहां आएगा वो रोवेगा, शहर करने के लिए आ जाएगी बाकी बची दुनिया, बजाय इसके कि वहां खड़े होकर रोए चिल्लाए इलाही यहां बसने वाले मर्द कहां गए, यहां रहने वाली औरतें कहां गई, यहां रहने वाले बच्चे कहां गए, उनका साजो सामान कहां गया, उनकी कोठियां और बंगले कहां गए, उनकी इमारात कहां गई, उनकी दौलत कहां गई, बल्कि वहां तमाशा गा बना लेते हैं, शहर गा बना लेते हैं, खर्च कर करके आना और उन जजीरों को जो खर्च हो गए देख कर बजाय इज्जत हासिल करने के तमाशा बनाते हैं। पहले जिगर फटता था, दिल में सोचा करते थे ना कि ये वो जगह है जहां गद पड़े हैं, वकील पड़े हैं, दौलतमंद पड़े हैं, नवाब पड़े हैं, बड़े बड़े रईस पड़े हैं, बड़ी बड़ी हसीना और बड़ी बड़ी खूबसूरत और जिनकी चाल से लोग कत्ल हो जाया करते थे वो यहां पड़ी है, रोया करते थे लोग। आज कब्रिस्तान में जुआ खेल रहे हैं, कब्रिस्तान में शराब पी जा रही है, कब्रिस्तान में बदमाशी हो रही है, कब लड़ेंगे कयामत में जब बर्बादी आ जाएगी? فَمَا فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ओ अकल वालो, इबरत पकड़ो, शर्म करो, शर्म करो, भाग आओ, इबरत पकड़ो, हया करो, डूब के मर जाओ,
शर्म का दामन पकड़ो, शर्म को हाथ मारो, हाथ अभी हूँ या उसको अकल को हाथ मारो, उसको सोचो कि हो क्या रहा है। फरमाया वकी कसम है इंजीर की, सुभान अल्लाह, परवरदिगार आलम है, जमीन आसमान का मालिक, अर्श अजीम का मालिक, कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक, समंदरों दरियाओं के कतरे कतरे का मालिक, दरख्तों के पत्ते पत्ते का मालिक, फूल की एक एक कली का मालिक, वकी कसम है इंजील की। उलमाए किराम ने लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहु ने इंजील की क्यों कसम खाई, इंजील की क्यों कसम खाई, तवज्जो फरमाए। उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन रहिमहुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बेशुमार अकवाल और तफसीर लिखी है। ये लिखा है कि अल्लाह पाक ने इंजीर की कसम इसलिए खाई कि इंजीर के फल के अंदर गुठली नहीं, आम में गुठली है, आलू बुखारे में गुठली है, खुरमानी में गुठली है, खजूर में गुठली है, सुहारे में गुठली है, इंजीर एक ऐसा फल है जिसमें गुठली नहीं है। और बाजे फल ऐसे हैं कि उनके ऊपर छिलका बड़ा, जैसे माल्टा, संतरा, जैसे केला, बड़ा जबरदस्त छिलका है, मोटा मोटा छिलका है, किसी फल के अंदर गुठली है और किसी के ऊपर छिलका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंजीर की कसम इसलिए खाई, फरमाया मेरे बंदे इंजीर की तरह बन जा, अपने दिल में हसद और सिरक की गुठली ना बाल और अपने मुंह पर मुनाफकत के पर्दे न डाल। तू कितना ही पाकीज़ा क्यों ना बन जाए, तू कितना ही अल्लाह वाला क्यों ना बन जाए, तू कितनी ही तस्वीर चलाने वाला क्यों ना बन जाए, तू कितना ही तहज्जुद और इशराक का पाबंद ना बन जाए, अगर तेरे दिल में शिर्क की गुठली है, हसब की गुठली है, अदावत की गुठली है, कीने की गुठली है, मुगल की गुठली है और तेरे ऊपर मुनाफकत का छिलका है, मुनाफकत का पर्दा है, मुनाफकत की चारों तरफ चादर लपेट रखी है, फरमाया जैसे छिलका बेकार है, जैसे गुठली बेकार है, पैरों में फेंक दी जाती है, ठोकरों में फेंक दिए जाते हैं, घोड़ों और जानवरों के पेशाब का में फेंक दिए जाते हैं, फिर मेरे बंदे तू भी जहन्नम में फेंकने के काबिल हो जाएगा। फरमाया तेरा दिल और तेरा जाहिर और बातिन अंदर और बाहर एक हो, जो तेरा अंदर हो वो ही बाहर हो और जो बाहर हो वो ही अंदर हो। मगर बड़ी मुश्किल ये है कि ये हमारा जमाना जो है इसमें बदमाशी, चलाकी और बेईमानी को सियासत कहते हैं। जो किसी को चाल दे और फरेब करे, ठगी मारे कि मैंने उसको बड़ी सियासत से फंसाया, झूठ बोलना सियासत, बेईमानी करना सियासत, रिश्वत और छाती अम्मा, हराम खाना, सुअर खाना सियासत, बात करना और बात बात में फ्रेम देना सियासत, ये तुम्हें बताया किसने? मुल्ला खानदान की हुकूमत है, मुल्ला जीवन रहमतुल्ला अलैह आलमगीर बादशाह के उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं बहुत बड़े। उस जमाने की बात कर रहा हूं, उस जमाने का गुनाहगार और आजकल का नेक, फिर भी वो गुनाहगार। अच्छा, चंद लड़कों ने मशवरा किया कि यार मिठाई खानी चाहिए, मैं कहां खाऊं, तरकीब क्या हो कि चलो मुल्ला जीवन के पास चलते हैं।
मुल्ला सीबल रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहने लगे हजरत बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है। वो छकाए की कहा कि ये जो दरियाए जमुना का पुल है ना, दरियाए जमुना का जो पुल है, सरकार इसको उठाकर आगरे ले जाना चाहती है। उन लोगों को आने जाने की बड़ी तकलीफ होगी, लोग बड़े परेशान हो जाएंगे। दरिया का पुल उठाकर हुकूमत ले जा रही है। तो मुल्ला जीवन साहब फरमाने लगे कि वाकई तो बड़ी तकलीफ से बात होगी भाई। मुल्ला साहब फरमाने लगे कि भी क्या सूरत हो बचाने की। कहने लगे कि अगर कोई मिठाई के पैसे हो जाए ना, तो पुल उठाने वालों को थोड़ी सी मिठाई खिला देंगे, वो वही रहने देंगे नहीं उठाने के। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ पैसे दे दिए और लड़कों ने जाके मिठाई खा ली। बताना ये चाहता था, जब इस बात का चर्चा हुआ कि मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह से लड़के छग्गी मार के पैसे ले गए और मिठाई खा ली, तो आके कहने लगे मरा मुल्ला जी, आपकी अकल में ये बात नहीं आई कभी दरियाओं के पुल भी उठाकर कहीं ले जाए जा सकते, कभी दरियाओं के पुल भी उठाकर कहीं ले गया कोई, कभी गए हैं पुल? फरमाया भाई मैंने दोनों चीजों का मुआवजा किया कि दरिया का पुल कहीं और जा सकता है या नहीं, और मुसलमान झूठ बोल सकता है या नहीं। तो मेरी दानिश में और मेरी अकल में तो ये बात आई कि पुल तो शायद उठकर कहीं और चला भी जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला झूठ बोल ही नहीं सकता। जमाने की बात है, आजकल तो लोग अशुरू से लेकर सारी जिंदगी सरासर धूप बेईमानी बदमाशी लगे हो रहे ना। करोड़पति वो भी कलेजे से हाथ रखता फिरता है, माला ना नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, गोलियां खा लिया कर दी नाले की। करोड़पति को नींद नहीं आती, लखपति को नींद नहीं आती, किसी को बीवी ने परेशान कर रखा है, किसी को औलाद ने परेशान कर रखा है, किसी को उधार लेने देने ने परेशान कर रखा है, किसी को किसी चीज ने परेशान कर रखा है। इत्मीनान सिर्फ उसको है वो उससे भी कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कहता है या अल्लाह दौलत में लानत भेजता हूँ और ये पति के सती को मैं क्या करूँगा, बस तेरा डर हो मेरा सर हो, तेरा डर हो मेरा दिल हो, तेरा डर हो मैं सर मारता मारता मरता। फरमाया वकी कसम इंजीर की, फरमाया मेरे बंदा इंजीर की तरह बनता, अंदर अपने गुठली पैदा न कर, ऊपर मुनाफ़त का पर्दा और छिलका न पैदा कर। और दूसरी वजह मुफस्सरीन ने यह लिखी है इंजीर की कसम खाने की, इंजीर तर भी काम आता है, ताजा भी काम आता है खाने के, लजीज होता है और खुश्क भी काम आता है दवाओं में। क्या मतलब? ध्यान भाई तवज्जो नुक्ते की बात है। कुरान करीम की तफसीर लिखने वालों ने उलामा इकराम ने रहीमहुल्लाह अलैह अजमईन ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया, उन्होंने ऐसे ऐसे नुक्ते लिखे। फरमाए मेरे बंदे इंजीर की तरह बन जा, क्यों? जैसे इंजीर तर काम आता है, ताजा काम आता है और खुश्क भी दवाओं में काम आता है, ओ मेरे बंदे तू भी ऐसा बन जा, जिंदगी में भी दूसरों के काम आ, मरने के बाद भी काम आ। अब कई आदमियों के कान खड़े हो गए होंगे कि मरने के बाद कैसे काम आएगा, चक्की चलावेगा के मुर्दा उठ के कैसे काम आए।
फरमाया मेरे मंदिर इंजीर की तरह बन जा, ताजा भी काम आ, मौसम बाहर में भी काम आ, खुश्क भी काम आ। क्या मतलब? सारी जिंदगी में मेरी मखलूक की खिदमत करता जा करता जा करता जा, और मरने से पहले कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दे जा, ऐसे काम करके जा जो मरने के बाद भी काम आ रहा हो। मस्जिद बना दे, मदरसा बना दे, सराय बना दे, कुआं बना दे, नलका लगा दे, तू कब्र में है लोग मस्जिद में सुभान रब्बी अल आला कर सकते मेरा कर कह रहे हैं। आवाज आती है, ओ मेरे बंदे तुझे तो पता नहीं तेरी बनाई हुई मस्जिद में कौन आया, किसने वजू किया, किसने क़िबले की तरफ मुंह किया, किसने सर सजदे में रखा, किसने आजजी की, सुभान रब्बी अल आला किस अंदाज के साथ किसी ने कहा। फरमाया मेरे बंदे मैं तेरी कब्र के हालात से भी वाकिफ हूं और तेरी बनाई हुई मस्जिद से भी वाकिफ हूं। उधर मैं सुनता जाता हूँ, देखता जाता हूँ, उधर कुछ भी मैं अपनी करीमी की बारिश करता जाता हूँ। फिल्म पढ़ा जा, कुरान करीम पढ़ा जा, वो आगे पढ़ाए, वो आगे पढ़ाए, वो आगे पढ़ाए, अल्लाह बाप तेरे कारनामे को बढ़ाता ही चला जाता है। सूरह से देख ले, बाजे बाजे शेख, बाजे बाजे काफी आलिम को अल्लाह पाक ने इतनी कबूलियत आम माता फरमाई। हजरत कारी रहीम बख्शाद रहमतुल्लाह अलैह के हजार मसाफिर वो कब्रों में है, शामिल मदीने नाम में बैठे। तेरा दिमाग भी मेरे काम आए, मेरी आंखें भी मेरे दीन के काम आए, तेरा दिल भी मेरे दीन के काम आए, तेरे हाथ भी मेरे दीन के काम आए, तेरे पैर भी मेरे दीन के काम आए, तेरी सोच भी मेरे दीन के काम आए, तेरा दिमाग भी मेरे दीन के काम आए, मेरी उंगली का इशारा भी मेरे कुरान करीम के काम आए। फरमाया सर से लेकर पैरों तक तमाम का मेरे दीन के लिए काम आने वाला बन जा। और दूसरी वजह मुफस्सिरीन रहमतुल्लाह अलैहि अजमाइन ने यही लिखी, फरमाया जैतून के दरख्त का रोगन निकलता है, तेल निकलता है, उसका चिराग जलाओ, दिया जलाओ, सफेद साफ शफाफ चांदना होता है, बिल्कुल सफेद रंग का चांदना रोशनी देता है। जैतून के तेल का चराग, जैतून का तेल जब जलता है तो सफेद चांदना होता है। फरमाया मेरे बंदे जब मेरे और मेरे दीन के काम आने वाले बन जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के काम आने वाले बन जाएंगे, फिर मैं तुझे इतना उजला और इतना जिला और इतना साफ और शफाफ बना दूंगा जैसे जैतून के तेल का चिराग सफेद होता है, मैं तेरे दिल और दिमाग और बदन को साफ कर दूंगा। फरमाया के काम आने वाले बन जाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के काम आने वाले बन जाएंगे, फिर मैं तुझे इतना उजला और इतना जिला और इतना साफ और शफाफ बना दूंगा जैसे जैतून के तेल का चिराग सफेद होता है, मैं तेरे दिल और दिमाग और बदन को साफ कर दूंगा। फरमाया बतूरी सीनीन, बतूरी सीनीन, फरमाया तूरे सीना की कसम। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक जिल्लशानहू ने तूरे सीना की कसम क्यों खाई, फरमाया वो इसलिए कि तूरे सीना जो है पहाड़ का दामन है, उस पहाड़ का दामन है जहां पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी हम कलामी का शरफ अता फरमाया, अपना जलवा वहां जाहिर फरमाया, इसलिए अजमतों का मालिक बन गया। और दूसरे ये है कि जो दवा देसी जड़ी बूटी
किसी मुल्क में ना मिलती हो, कहीं ना मिलती हो, पूरे सीना के दामन में मिल जाती है। फरमाया मेरे बंदे, तू जब इंजीर की तरह बन जाएगा, जब तू जैतून की तरह बन जाएगा, तो तू पूरे सीना की तरह बन जा। जो खसलत यहूदी में ना मिले, जो अच्छी आदत मुशरिक में ना मिले, जो अच्छी आदत ईसाई में ना मिले, जो अच्छी आदत काफिर में ना मिले, वो फासिक और फाजिरों में ना मिले, दौलतमंदों में ना मिले, हुक्मरानों में ना मिले, तरह तरह की अजमतों वाले लोगों में ना मिले। और मेरे बंदे, जैसे पूरे सीना के दामन में हर जड़ी बूटी मिल जाती है, तेरे अंदर तमाम सफात अच्छी जो है वो तेरे अंदर पैदा हो जानी चाहिए। जैसे वहां नायाब से नायाब जड़ियां मिल जाती हैं, नायाब से नायाब दवाएं मिल जाती हैं, तेरे अंदर खसलतें भी नायाब से नायाब होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी खसलत तेरे अंदर होनी चाहिए। और जब अच्छी खसलतों का तू मालिक बन जाएगा, फिर जैसे पूरे सीना पे खुदावंद करीम ने जलवा अता फरमाया, फिर अल्लाह की तजल्ली तेरे दिल के पड़ेगी, फिर अल्लाह पाक की तजल्लियात तेरे दिल पे पड़ेंगी, और दिल फिर उजागर हो जाएगा, बुझीला हो जाएगा, साफ सफाफ हो जाएगा, जिलाता हो जाएगी। और फरमाया जब तू इंजीर की तरह बन जाए, जब जैतून की तरह बन जाए, जब तूरे सीना की तरह बन जाए, वहादल बला दिल अमीन। सुभान अल्लाह, फरमाया ओ मेरे नबी, मुझे तेरे शहर मक्का मुकर्रमा की कसम, मेरे महबूब तेरी गलियों की कसम, तेरी कलिया जिस जमीन पे लगती है उस जमीन की कसम, जमीन के जिस टुकड़े पे बिलाल को मारा जाता है मुझे उस टुकड़े की कसम। फरमा जिस चौक में लबीना का खड़ा खड़ी करके चमड़ा उठेड़ा गया, उसने ईमान का दामन न छोड़ा, और मेरे महबूब मुझे उस चौक की गलियों की कसम, जिस वादी में सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खड़ी करके चीर कर टुकड़ी एक टुकड़े कर दिए गए, फरमाया मुझे मुझ खुदा को उस वादी के जर्रों की कसम। जिस इलाके में, जिस चौक में, जिस मैदान में हजरत ज़मीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खड़ी करके दोनों आंखें निकाल दी गई, मुझे उस मैदान की कसम, वहादल बलदिल अमीन, मुझे इस शहर मक्का मुकर्रमा की कसम, मेरे महबूब मेरे दीन के लिए, मेरी तौहीद के लिए, मेरे नाम के लिए जिस जगह आपका गला घोटा गया, आपकी आंखें बाहर निकल आई, मुझे उस जमीन के टुकड़े की कसम। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये चार कसमें गवाह हैं, ये चार चीजें गवाह हैं, मैं इन चार कसमों को खाकर कहता हूँ। फरमाया लकद खलकनल इंसान, लकद खलकनल इंसान, अलबत्ता तहकीक, ये भी दो कसमों के बराबर है। फरमाया अलबत्ता तहकीक, ताकि मुझे अपनी आबरू की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, लकद खलकनल इंसान, मैंने पैदा किया इंसान को फी आसनी तकलीम, बेहतरीन सूरत में। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक जिसकी सूरत को बनाते हैं,
बाकी सूरतें ऐसी ऐसी हैं जो देखे वो भी कुर्बान हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह नानदर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर के स्टेशन पे टिकट खरीदने के लिए खिड़की के सामने तशरीफ लाए। टिकट क्लर्क जो है वो हिंदू है, उधर मौलाना को टिकट देता है, इधर पिछले दरवाजे से दौड़ के आया और कहने लगा, मौलाना मैंने आपको गाड़ी का टिकट दे दिया, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दें, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दें। फरमाया, क्या मतलब, मुझे क्या समझ आई। कहने लगा, कलमा पढ़ाओ। क्यों, क्या चीज। तो जब खिड़की में चाँद के चेहरे से नजर पड़ी, मेरे दिमाग में ये बात आई, जो खुदा इतने खूबसूरत बंदे बना सकता है वो खुद कितना हसीन होगा। हाँ हाँ, मैं उन अकाबिल का गुलाम हूँ जिनकी शक्लें देखकर काफिरों में कलमे पड़े। ख्वाजा गुलाम हसन रहमतुल्लाह अलैह लाली सन करोड़ आले सैकड़ों ने हजारों काफिरों किरारों को कलमा पढ़ा। एक नहर के पुल पे बैठे किरार आया, आखिर लगा मौली साहब किरोर दारा केड़ा है, किरोर दारा केड़ा है। फरमाया, किरोर दारा दसा या तोड़ दारा दसा, किरोर दारा दस देवा या तोड़ दारा दस देवा। किराड़ा कर लगा जीवे साई की मर्जी हो गए। फरमाया, पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लोगों ने काफिरों को मुसलमान बनाया, जहन्नमियों को जन्नती बनाया, वो जन्नत का ठेकेदार बने फिरते, मुसलमानों को काफिर बनाते। सारी उम्र गुजर गई, फलाना काफिर फलाना काफिर फलाना काफिर फलाना काफिर। तुझे अपना भी पता है कि तू काफिर है या मुसलमान है या कौन है, अपना पता करना नहीं, लोगों के फतवे लगाना। और इन मुल्लाओं का मौलियों का भी कसूर नहीं, फतवों भी पैसे मिलते हैं। तकरीर में ज्यादा गालियां दो तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, थोड़ी गालियां दो थोड़े पैसे मिलते हैं। कभी तुम अपने दिल में खुश हो रहे हो कि मौलवी गालियां देते यही मरेंगे, नहीं नहीं इंशाल्लाह हाँ नहीं, सतमारा भी साथ साथ रहेगा। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم। अलबत्ता तहकीक, मैंने आदमी को इंसान को कितने बेहतरीन हसीन सांचे में ढाला है। आंखें देखो वो निराली, नाक देखो वो निराला, लब देखो वो निराले। और भी दुनिया में हजारों किस्म की तरक्की की, मॉडर्न किस्म की दुनिया बन गई, जदीद तरीन दुनिया के हाथ असला, जदीद तरीन मशीनरी और आलात के होते हुए, अल्लाह और परवरदिगार आलम के बनाए हुए एक नाखून के मुकाबले में नाखून नहीं बना सके। जो परवरदिगार आलम की पैदा करता है, एक बाल को कोई पैदा करके दिखाए। अब अल्लाह तबारक व तआला जिल शानू ने चार कसमें खाई, इसके बाद आदमी का मकाम बताया, उसकी तखलीक का बच्ची का सबब बताया, उसका मनसब बताया, उसकी अजमत उसको जतलाई। फरमाया, लोगों अब भी अगर मैं खुदा का यकीन नहीं, मुझ मेरे कलाम पे तेरा यकीन नहीं, मेरी जुबान पे तेरा यकीन नहीं, मेरे महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे तेरा यकीन और ईमान नहीं। फरमाया, सही मारा बदला हूँ असल काफी। फिर मैं ऐसे आदमी को फेंकूंगा असल साफिलीन में। और जहन्नम का नाम आपने रात दिन सुना, दोजक का नाम भी रात दिन सुना, यह असल साफिलीन क्या चीज है। कुरान करीम ने फरमाया, असल साफिलीन परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने फरमा दिया कि असल साफिलीन माना क्या है, मतलब क्या है। जहन्नुम में एक वादी है,
दोजख में एक वादी है। हदीस पाक में आता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात की खिदमत में सहाबा इकराम बैठे थे। सुबह का वक्त था, एक खड़का सुनाई दिया, एक आहट सुनाई दी, धमाका हुआ। आपने फरमाया सहाबा इकराम से सुना है? अर्ज के हाँ या रसूलल्लाह सुना है। फरमाया क्या खड़का है? अर्ज के हाँ मैं नहीं पता। फरमाया एक आदमी को 70 साल गुजर गए, असवलु साफिलीन के गले में जहन्नुम के कुएं में फेंका गया है, आज जाके नीचे की तह में पड़ा है। वो है असवलु साफिलीन और वो है इतनी दर्दनाक जगह। फरमाया फिर जो मैं खुदा की कसमों पे यकीन नहीं करता, मेरे महबूब की जुबान पे यकीन नहीं करता और अपनी तखलीक में और अपनी पैदाइश में मुझ खुदा को कवर करके समझता नहीं, शिर्क की लानत में गिरफ्तार है, बिदात की लानत में फिर भी गिरफ्तार है। फरमाया सुल्ला रदद लाहू असल साफिलीन, फिर मैं भी उसके लिए असल साफिलीन तैयार किए बैठा हूं। इलाहुल आलमीन उस दर्दनाक अजाब से, उस शदीद तरीन अजाब वाले कुएं से आदमी बचेगा कैसे? फरमाया इल्लज़ीना आमनु, बचेगा वो जिसके दिल में यकीन और ईमान है, वामिलुस सालिहात, काम अच्छे करता जाता है। ये बात भी सही नहीं, कहीं मिलेंगे आपको उबास उचक्के, तुम कहोगे ना दाढ़ी क्यों मुलाता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता, ऐसा वाह वाह दिल में वह ईमान को बाहर ईमान दिखाई देता है। ईमान तो दिल में है, यकीन तो दिल में है, खुदा की खुदाई मेरे दिल में है, तू बाहर क्या लेता है, मैं कुछ करता फिरूं। फरमाया वामिलु सालिहात, अंदर ईमान का दरख्त हो और उसके फल बाहर जाहिर आमाल से हो रहे। आमनु वामिलु सालिहात, दिल में यकीन और ईमान पैदा कर और अच्छे काम कर। फरमाया फलाहुम अजरुन गैर ममनून, फिर उसके लिए मैंने इतना बड़ा अजर रखा हुआ है जो कभी खत्म होने वाला ही नहीं। अमर में होगा, हसर में होगा, आलम बरज़ख में होगा, तुम सरात से गुजर रहे हो, ये पता नहीं होगा उसकी जजा तो मेरी बन रही है, है वो खत्म होगी ही नहीं। फिर फरमाया फमायु कज़िबु कबादु बिद्दीन, फरमा कितना बदबख्त है वो आदमी, कितना जालिम है वो इंसान। फमायु कल्लिबु कबादु बिद्दीन, उसके बाद भी दीन पर यकीन नहीं करता, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर यकीन नहीं करता। वो खुदा है अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मैं जबरदस्तों का जबरदस्त हूँ, हुकूमत मेरी है, इख्तदार मेरा है, मनसब आला मेरा है, तुम सबका खालिक और मालिक मैं हूँ, इसलिए परवरदिगार आलम मैं हूँ, रबूबियत मेरी है, उलूहियत मेरी है, अल-किबरु रिदाई, किबर मेरी चादर है, तुम कौन हो मेरी चादर को उतारने वाले। परवरदिगार आलम की जात अकदस ने सूरत के मफहूम में यह समझाया है कि ए मेरे बंदे तू मान जा, अब भी बात आ जा, अपनी जिंदगी का रुख बदल, इनकलाब ला अपनी तबीयत में, मिजाज बदल, हालात बदल, अपने तबीयत को बदल। और आपने आप को कोशिश करिए सोचने की कि इंसान अपनी जिंदगी में अगर बदल जाए तो ठीक है, नहीं तो कब्र में फिर इसके गुरुज मार मार कर बदल देंगे, बजाय उस बदलने से फायदा कोई नहीं होगा। इसलिए फरमान अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, इधर आओ बेटे मांगने हो इधर आओ, शादियां करानी हो इधर आओ, मुनाफे कमाने हो इधर आओ, मैं दूंगा। जो जिनके पास तुम मांगने के लिए खड़े हो, फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये भी तेरी तरह।